सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा सारयां दा एक बार फिर तो आई न्यूज़ पंजाब दीआं खबरां विच स्वागत है। तुसी इत्थे हर खबर एक एक करके विस्तार विच जाणोगे, पर उस तो पहला तुहानू सब नू एक बेनती है कि इस वीडियो नू लाइक करो ते पूरा जरूर देखो। आओ जानदे हां अज दीआं मुख हैडलाइनस। कानूना ते भखिया विवाद, मंत्री सुखी रंधावा ने कबूली हरसिमरत बादल दी चुनौती। जी हां, किसान अंदोलन दी वड्डी जित, रिलायंस कंपनी दा ऐलान, कंट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करांगे। इस दे नाल ही दस दईए कि स्टडी वीजा ते पीआर अप्लाई करन वाले लोग सावधान, जरूर देखो यह खबर। इस दे नाल ही पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों दसवीं ते बारहवीं दे नंबर वधाउण दा मौका, यह विद्यार्थी लै सकदे फायदा। जी हां, कोरोना तो बाद हुण तीन सूबियां विच बर्ड फ्लू दा खौफ, केंद्र वल्लों देश भर विच अलर्ट जारी। अगे दसांगे पूरी खबर विस्तार विच। पाकिस्तान जाण वाला रावी दा पानी रोक रहा भारत, 2793 करोड़ खर्च के वजेगा बन। इस दे नाल ही दस दईए कि 10 जनवरी तक ITR दायर न करन ते देना पवेगा 1000 रुपए दा जुर्माना। अगे दसांगे पूरी खबर विस्तार विच। सावधान, वाहना ते ज्यादा एक्सेसरीज अते लाइटां लगाउणा तुहानू पै सकदा भारी। जी हां, 6 जनवरी तो वधाया जा रहा रेल दा किराया, जानो किस शहर लई किन्ने रुपए होणगे खर्च। आओ जानदे हां अज दी पहली वड्डी खबर। खेती कानूना ते भखिया विवाद, मंत्री सुखी रंधावा ने कबूली हरसिमरत बादल दी चुनौती। जी हां, दस दईए कि सीनियर कांग्रेसी आगू ते कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने हरसिमरत कौर बादल वल्लों खेती कानूना बारे दिते गुमराहकुन बयान ते बोलदिआं कहा कि अकाली दल ते बादल परिवार दी नूं काले खेती कानून लियाउण विच अपनी हिस्सेदारी तो जिन्ना मर्जी टाला वट लैण, पर उह किसानी दा गला घोटण लई अपनी शमूलियत तो भज नहीं सकणगे। हरसिमरत बादल वल्लों खेती आर्डीनेंसां ते अपने दस्तखत सिद्ध करन दी चुनौती नूं खुल्लेआम कबूलदिआं रंधावा ने कहा कि जदों कैबिनेट मीटिंग विच समुच्चा फैसला लिया जांदा है तां इस विच शामिल समूह मंत्रियां दी सहमति, दस्तखतां तों वड्डा सबूत हुंदी है। उन्हां चुटकी लैंदिआं हरसिमरत बादल नूं स्पष्ट करन लई कहा कि अपने 6 साल दे केंद्री मंत्री दे कार्यकाल दौरान केंद्री कैबिनेट वल्लों कीते फैसलिआं ते किस आधार ते वाहवा खटदी रही। उन्हां नाल ही सलाह दित्ती कि इह बयान देण तों पहलां उन्हां नूं अपने सहुरा साहिब तों पुछ लैणा चाहीदा सी कि कैबिनेट वल्लों लए फैसलिआं विच मंत्रियां दी सहमति हुंदी है जां नहीं। किसान अंदोलन दी वड्डी जित, रिलायंस कंपनी दा ऐलान, कंट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करांगे। जी हां, दस दईए कि रिलायंस कंपनी दा कहना है कि 3 नवें खेती कानूनां तों उसदा कोई लेना देना नहीं है ते इन्हां कानूनां तों कंपनी नूं किसी तरह दा कोई फायदा होण वाला नहीं। कंपनी ने कदे भी कारपोरेट जां कंट्रैक्ट खेती नहीं कीती है ते ना ही भविख विच इस कारोबार विच उतरन दा कोई इरादा है। उह सिद्धे तौर उत्ते किसानां तों कोई खरीद नहीं करदी। रिलायंस उद्योग लिमिटेड अपनी सहायक कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम नाल मिल के अज पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट विच एक पटीशन दायर करन जा रहा है, जिस विच उसने एहो प्रगटावा कीता है कि उसका कंट्रैक्ट फार्मिंग नाल कोई लेना देना नहीं है ते कुछ शरारती अंसरां वल्लों मोबाइल टावरां दी गैर कानूनी तोड़भन तुरंत बंद करवाई जावे। पटीशन विच लिखिया है कि तोड़भन दीआं घटनावां कारण रिलायंस दे हजारां मुलाजमां दीआं जानां भी खतरे विच पै गईआं ने। साडे कारोबारी शरीक माड़े मनसूबियां ते अपने सौड़े हितां कारण शरारती अंसरां नूं मोबाइल टावरां दी तोड़भन करन लई भड़का रहे हन। स्टडी वीजा ते पीआर लई अप्लाई करन वाले लोग सावधान, जरूर देखो यह खबर। जी हां, दस दईए कि विदेश जाण दे चाहवान लोकां नूं सावधान रहण दी लोड़ है, क्योंकि स्टडी वीजा ते पीआर दिवाउण लई फर्जी ट्रैवल एजेंटां दीआं गल्लां विच आ के लोक ठगी दा शिकार हो सकदे ने। इस लई अजिहे ट्रैवल एजेंटां तों सुचेत रहण दी लोड़ है। जिला पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल वल्लों फर्जी ट्रैवल एजेंटां खिलाफ चलाई गई मुहिम कारण अजिहे एजेंटा विच खलबली मच गई है, जिस विच लगातार मिल रही सैकड़े शिकायतों तो बाद पुलिस ने वड्डी मुहिम तहत ट्रैवल एजेंटा ते शिकंजा कसना शुरू कर दिता। पुलिस दीआं दर्जना टीमां इस कारज विच जुट चुकियां हन, जो ट्रैवल एजेंटा दे दस्तावेज ते उन्हां दे लाइसेंस दी जांच कर रहीआं ने। इसे मुहिम तहत थाणा डिवीजन नंबर 8 दी पुलिस ने 3 ट्रैवल एजेंटा खिलाफ मामले दर्ज किते हन।
पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों दसवीं ते बारहवीं दे नंबर वधाउण दा मौका एह विद्यार्थी लै सकदे फायदा। जी हां, दस दईए कि पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने 1970 तो लैके 2018 तक दे विद्यार्थियों नूं दसवीं ते बारहवीं दे नंबर वधाउण दा मौका दिता है। एक जां एक तो वध पेपर दे के मैरिट विच सुधार किया जा सकता है। परीक्षा लई सिलेबस 2018-20 वाला ही रहेगा। बोर्ड ने एक प्रोस्पेक्टस तैयार करके वैबसाइट उत्ते अपलोड भी कर दिता है। बोर्ड ने 50 साल पहला दे विद्यार्थियों की अपील नूं प्रवान करदिआं बोर्ड ने एक खास मौका देण दा फैसला किया है। पहला 1970 तो लैके 2003 तक दे विद्यार्थियों नूं खास मौका दिता गया सी। हुण 2018 दे विद्यार्थियों नूं स्पैशल चांस दिता गया है। बोर्ड दे परीक्षा नियंत्रक जनक राज महरोक ने दसिआ कि विद्यार्थियों नूं बोर्ड पुज के फार्म भरना होवे ते योग्यता संबंधी जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होणगे। परीक्षा फार्म बोर्ड वैबसाइट www.pseb.ac.in उत्ते उपलब्ध हन। कोरोना तो बाद हुण 3 सूबियां विच बर्ड फ्लू दा खौफ। केंद्र वल्लों देश भर विच अलर्ट जारी। जी हां, दस दईए कि पूरी दुनिया इस वेले जिथे कोरोना वायरस नाल जूझ रही है उत्थे भारत दे दो राज्यां राजस्थान ते मध्य प्रदेश विच एक होर खतरनाक रोग बर्ड फ्लू दा खौफ पैदा हो गया। इन्हां दो सूबियां विच कां मरन लग पए हन ते उन्हां दी मौत दा कारण बर्ड फ्लू दस्सिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने सारे सूबियां नूं इस खतरे लई अलर्ट कर दिता। जिहड़ियां वी थां उत्ते कां मरे हन उत्थे लागले इलाकियां दे आम लोकां उत्ते भी निगरानी रखी जा रही है तां जो इह छूत इंसानां विच फैलण तों रोकिया जा सके। दस दईए कि बर्ड फ्लू पहलां भी भारत विच खौफ पैदा कर चुका है। मध्य प्रदेश विच मृतक पंछियां दे सैंपल भोपाल दी इक लैब विच भेजे गए ने। इंदौर विच मिले कामां विच H5N8 वायरस की पुष्टि हो चुकी है। इह वायरस बहुत घातक हुंदे हन ते तेजी नाल फैलदे हन। पाकिस्तान जाने वाला रावी दा पानी रोक रहा भारत। 2793 करोड़ खर्च के वजेगा बन। जी हां, दस दईए कि पंजाब तो रावी दरिया दा वहा पाकिस्तान वल घट करन दी कवायद एक बार फिर शुरू हो गई है। COVID-19 तो बाद रावी दे वहा उत्ते काबू पाउण लई बनाया जा रहा शाहपुर कंडी बन दी उसारी मुड़ शुरू हो गई है। संभावना है कि 2022 तक इसे बन उत्ते रावी दे पानी नूं रोक के झील तैयार हो जावेगी। तद पाकिस्तान वल जाण वाले इस दरिया दे पानी नूं कंट्रोल कीता जा सकेगा। केंद्र सरकार ने 2018 विच पाकिस्तान नाल तणाव दौरान भारत दे दरियावां दा वहा घट करन दी गल आखी सी। साल 2018 विच केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर ते पंजाब दी सरहद उत्ते रावी दरिया उत्ते शाहपुर कंडी बन प्रोजैक्ट नूं मंजूरी दित्ती सी। इस प्रोजैक्ट नूं पूरा करन दा टीचा 2022 तों तय कीता गया सी। सोने चांदी दीआं कीमतां विच मुड़ जबरदस्त उछाल। जाणो अज दे भा। जी हां, दस दईए कि सोने अते चांदी दीआं कीमतां विच लगातार उतार चढ़ाव आ रहा है। इस विचाले अज सोने दी घरेलू वायदा कीमतां विच पहले हफ्ते जबरदस्त वाधा होया। MCX एक्सचेंज ते 5 फरवरी 2021 वायदा सोने दा भा सोमवार सवेरे 1.10% भाव 554 रुपए दी तेजी नाल 50,978 रुपए प्रति 10 ग्राम ते ट्रेड करदा दी ਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਭਾਅ ਇਸ ਸਮੇਂ 1.2% ਜਾਂ 513 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 50,809 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਵਾਇਦਾ ਦੋਵਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਭਾਅ 1.98% ਜਾਂ 1,346 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 69,469 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵਾਇਦਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦੋਵਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
6 जनवरी तो वधाया जा रहा रेल का किराया, जानो किस शहर लई किन्ने रुपए होणगे खर्च। जी हाँ, दस दईए कि भारतीय रेलवे ने कोरोना संकट विच लंबे समय तो लटक रही रेल गड्डिया दे संचालन लई अभ्यास शुरू किया है, पर कुछ रेल गड्डिया नूं अजमाइशां वजो चलाया जा रहा है। जे यात्री इन्हां रेल गड्डिया विच यात्रा करदे हन तां उन्हां नूं पहलां नालों ज्यादा पैसा खर्च करना पएगा, क्योंकि भारतीय रेलवे ने किराए वधाउण दा फैसला किया है। खास गल यह है कि हुण रिजर्वेशन वाले यात्री ही इस रेल गड्डी विच सफर कर सकणगे, जिन्हां कोल रिजर्वेशन नहीं है ओह रेल गड्डी विच नहीं चढ़ सकणगे। तुहानूं दस दईए कि 6 जनवरी तो इन्हां रेल गड्डिया दे चलण दा ऐलान किया गया। विभाग ने मिलानी तो गोरखपुर लई इक रेल गड्डी चलाउण दा फैसला किया है। यह ट्रेन 22 मार्च 2020 तो बंद की गई है। रेलवे ने यात्रियों की भीड़ नूं घटाउण लई राखवांकरण लाजमी कर दिता। सावधान, 10 जनवरी तक ITR दायर ना करन ते देना पवेगा 1000 रुपए दा जुर्माना। जी हां, दस दईए कि कोरोना महामारी दे कारण सरकार ने हाल ही विच इक वार फिर इनकम टैक्स रिटर्न दायर करन दी आखरी तरीक वधा दित्ती है। इस दे मद्देनजर 2019-20 लई टैक्स रिटर्न 10 जनवरी तक दाखिल किया जा सकेगा। अजिही स्थिति विच टैक्स अदाकारा नूं समय सिर ITR दायर कर देना चाहीदा है। समय ते टैक्स जमा ना करन ते टैक्स दा जुर्माना लगाया जाता है। जे तुसी 10 जनवरी तो बाद फाइल करते हो तो टैक्सदाता 10,000 रुपए लेट फीस देनी पवेगी। जिन्हां टैक्सदातावां दी आमदनी 5,00,000 रुपए तो वध नहीं है उन्हां नूं लेट फीस वजो सिर्फ 1,000 रुपए देने पैणगे। सावधान, वाहना ते ज्यादा एक्सेसरीज ते लाइटां लगाउणा तुहानूं पै सकदा है भारी। जी हां, दस दईए कि कार ते होर छोटे वाहना विच ज्यादा लाइटां हॉर्न ते एक्सेसरीज कदे भी ना लगवाओ, क्योंकि कंपनी जिन्नियां चीजां लगा के दिंदी है ओह वायर दे मानकां दे अनुकूल हुंदियां हन। ज्यादा हॉर्न लाइटां ते एक्सेसरीज लगवाउण नाल तार उते ज्यादा लोड पैंदा है अते ओह गलण लगदी है, जिस कारण तार विच कट लग जांदा है अते थोड़ी जिही हीट होण उते शॉर्ट सर्किट होने नाल अग लग जांदी है। कार चलाउंदे समय विशेष सावधानी भी वरतनी चाहीदी है। अचानक जेकर कार विच तार विच स्पार्किंग दी थोड़ी जिही भी बदबू आए तां ड्राइवर नूं तुरंत गड्डी रोक के इक पासे खड़ी करनी चाहीदी है अते सब तों पहलां खुद अते नाल बैठे लोकां नूं सुरक्षित उतार लेना चाहीदा है। दोस्तो, जे तुहानूं इह साडी जानकारी वधिया लगी तां कमेंट करके दस्सिओ, लाइक अते शेयर जरूर करिओ अते साडे चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुल्यो। धन्यवाद।